फिलहाल पराल पराल कर रखा है। तुलसी का पौधा भी उग गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम आपको अपना होम टूर देते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी इंट्रो ढंग से नहीं दिया था, तो दरअसल आजकल घर में काम चल रहा है। किस वजह से चल रहा है वो रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल काम चल रहा है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं हमारा होम टूर। होम टूर दिखाने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे गांव में ना, यानी कि पाइपलाइन बिछ रही थी लोहे वाली, तो पहले प्लास्टिक की थी और उस वजह से आप देखो रोड पूरी ख़राब हो चुकी है। इस तरीके से पूरी खंडर जैसी रोड बन गई है और ये पता नहीं कब ठीक होगी या नहीं होगी। ये इस तरीके से देखो भैया, मेरे गांव की रोड ऐसी हो चुकी है, ऐसी वाली। तो ये हमारा किचन का स्पेस है, ये पूरा जो भी रेनोवेट पे चल रहा है। और नाश्ते में भुज्जी तैयार हो चुकी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और ये है वो लाल मिर्च जो भूरी बन चुकी है, और उसके साथ साथ ये है हमारे घर का घी, देसी घी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मैं नाश्ता निपटाती हूँ एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगती है भुज्जी और रोटी, और उसके साथ ये लाल मिर्च भून के बड़ा टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। एक वो जो वॉलपेपर वाले होते हैं भैया, वो कैसे रहते हैं? मुझे वो सही रहते हैं या पेंट सही रहता है? वो जो वॉलपेपर लगा के हटा देते हैं फिर, तो यही तो है एक तरीके से। अरे वो पेपर वाला, टेप वाला, टेप वाला, वो पूरी आती है ना दीवार पे, फिर उसको वो उसके लिए पता कितना टाइम चाहिए होता है, वो टाइम का काम है। उसके लिए पुट्टी चाहिए, एक साथ दीवार चाहिए। और अम्मू और चाचा गए थे मार्केट, तो मैंने उनसे मंगा लिया कुंदन की समोसा चाट, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाई थी, मतलब टाइम हो गया था, तो लेट सी कि कैसा टेस्ट है, अभी भी स्टिल वैसा है या नहीं। तो फटाफट से इसका अनबॉक्स कर लेते हैं, यानी फटाफट से पहले इसको खोल लेते हैं। मुझे मज़ा आया टेस्ट ना कुंदन के, मुझे समोसा चाट तो बहुत पसंद है। तो चलो इसे फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। तो शाम हो चुकी है और अब बन रहा है खाना। जैसे कि आपको मैंने भी सुबह बताया भी था कि आजकल किचन में काम चल रहा है, तो इधर शिफ्ट हो रहा है फिलहाल किचन। तो चलिए, तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये बन रहा है चिकन, चिकन चिकन, और इसे बना रहे हैं अम्मू। ये मेरी चाय, तो जब तक ये काट फाड़ी करता है तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। और मेरे लिए बनेगा, और मैं बनाऊँगी अपना पनीर थोड़ी देर में। आप, मैं अपनी पनीर की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो मैं आज बनाने वाली हूँ। और मैंने वैसे प्रीवियस वीडियोस भी शेयर की हुई हैं, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पनीर था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, तो वो मैं बनाऊँगी। तर उससे पहले चाय वाय पी लेते हैं अच्छे से, और फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जब तक बाकी काम हो रहे हैं। फिर मेरी क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर मेरी क्लास का टाइम हो जाएगा, एंड देन मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में सारे काम निपटाने के बाद, सीधा किचन की
टेबल पे। कटर चिकन के लिए प्याज, सबसे मुश्किल काम है प्याज काटना। तो मैंने मसाले वसाले के लिए, मसाले तो मिल नहीं रहे क्योंकि काम चिकन कह रही हूँ, किचन का इधर उधर चल रहा है, तो जो मिल रहा है उस हिसाब से जैसा बनेगा। तो मैंने फिलहाल, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन मैंने ऐसे डाइस फॉर्म में प्याज काट लिए, शिमला मिर्च हो गई, अदरक हो गया, थोड़ा स्पाइसी खाना है, जुकाम लगा पता नहीं चलेगा इसलिए स्वाद के लिए मिर्च लहसुन, और इन सबको सौते करने के लिए ये मतलब पनीर भी साथ में जाएगा, तो उसके लिए मैंने लिया है बटर, तो ये सब सौते होगा इसमें, और फिर जो बनता है कम मसालों में जितना मिल रहा है, यानी कि जो भी मिलेगा मसाले मुझे, मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। मेरी क्लास का टाइम हो गया तो मैं फटाफट से जा रही हूँ क्लास लेने के लिए, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी ही देर में। ये बन चुका है इनका चिकन, और ये चिकन बनाया है अम्मू ने, चिकन बनाया अम्मू ने, और मम्मी यहाँ दूध गर्म कर रही है। अब मेरी बारी है अपना पनीर बनाने की, तो चलो सीधा पनीर बनाते हैं। ये बॉल आ गया है, इसकी प्लेट का खाना, अरे प्लेट तो, अरे तो जमीन पे चिपक गई। चलो भैया तुम्हारे लिए भी लेने चलते हैं। यह है बिल्ली का लेग पीस, आओ बिल्ले आ जा। इसको देख रहे हो भैया, है भुक्कड़, ले भाई इतना गर्म है, इसको बेसब्री से मुंह जल गया। ये देखो भैया मुंह जलने को तैयार है, लेकिन अभी गर्म हो चुका है, इसमें गया हमारा लहसुन अदरक दोनों साथ और हरी मिर्च। इसे आपको अच्छे से सौते करना, अच्छे से मतलब थोड़ा सा ना, ये जलना भी नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा पक जाए। तो आज मैं आपको सबसे कम मसालों में ये पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सबसे पहले डालिए शिमला मिर्च, फिर गया इसमें प्याज, टमाटर, तीनों सब्जियों को आप अच्छे से मिला दीजिए। आप चाहिए तो इसमें और भी एड ऑन कर सकते हैं, बट मुझे फिलहाल यही मिली तो मैंने ये डाल दिया है। स्वादानुसार नमक डालिए जितना आप खाते हैं, थोड़ी सी हल्दी, अच्छे से चला दीजिए। नमक ना आप टमाटर के बाद में डालिए, मतलब शुरू में डालिए, इससे क्या होता है थोड़े से आपके जो टमाटर होते हैं हल्के से थोड़े गलने शुरू हो जाते हैं नमक डालते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सॉस तो मैं चिली पनीर का रही थी बट उसमें थोड़े सॉसेज ऐड ऑन करने पड़ते हैं, मुझे मिला नहीं अभी टाइम, मतलब मिला नहीं इन द सेंस कि तीजर भीतर हो रही हैं, चीज़ें वैसे नहीं मिल रही, तो जो मिल रहा है उससे ही पका लो इस तरीके से। फिर मैंने इसमें डाला भैया किचन किंग की जो काम करता है, यानी किचन किंग भी एक अलग मसाला है, बट मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और आप अच्छे से मिलाइए, या ध्यान रखिए आपको बिल्कुल ही गलाने नहीं है, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट इतने भी नहीं कर देने, थोड़ा सा उनमें हल्की सी क्रंचनेस भी रहनी चाहिए। अब इसमें जाएंगे पनीर, जो मैंने ऑलरेडी अच्छे से थोड़े से फ्राई कर लिए थे, पैन मिल नहीं रहा था तो भैया कढ़ाई से ही काम चलाना पड़ा, तो अच्छे से ऐसे आप थोड़ा पनीर को क्रंची क्रंची सा कर दीजिए, और इसमें डालिए मस्त, इसके साथ ना आप यकीन मानिए आपको
हरी चटनी, मतलब थोड़ी सी वो हरी चटनी की ना रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक तो नॉर्मल होती है जो सिंपल वाली, थोड़ी सी अलग स्पाइसी वाली वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो और साथ में नींबू डाल के, मतलब इतना टेम्पटिंग होता है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो चलो इसको हल्का सा घुमाना है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पक चुकी हैं अपने मीडियम के हिसाब से, यानी कि जिसको जितना पकना था उतना पक चुके हैं। हल्का सा चलाना है एंड देन बंद। तो फाइनली मेरी डिश बन चुकी है एंड मैंने आपको दिखा दिए थे रेसिपी क्या बनी है। लेट्स सी ये प्लेट में कैसे निकली है। फिलहाल मैं हाथ फटाफट से धो लेती हूँ, फिर मैं से खाऊँ इससे पहले छुटपट हो जाए। तो बना है मेरा चिल्ली पनीर बना है, बस इसमें थोड़ा सॉसेस वगैरह की कमी है, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, स्पाइसी के लिए ना मैं सेजवान सॉस डाल रही हूँ इसमें, और बस रोटी के साथ इसे निपटा दो, थोड़ा सा नींबू डालना है एंड दैट्स इट। सो ये है हमारी टेम्पटिंग, भैया देख लो धुआं भी निकल रहा है इससे अभी अभी। तो चलिए इसे फटाफट से फिनिश करते हैं और फिर अभी आज तो इतना ही था, अभी थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद थोड़े से लेक्चर्स प्लान करने हैं, व्लॉग्स प्लान करने हैं। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरीके के व्लॉग्स चाहते हैं, डेली व्लॉग्स डालूं या नहीं डालूं, या फूड व्लॉग करूं, ट्रैवल व्लॉग करूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब मैं अपना खाना खा लेती हूँ इससे पहले कि चुपट हो जाए। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।